तो हाय फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सुरंजन कबूतर लखनऊ में। तो एक बार फिर से आप लोगों के लिए नई वीडियो शूट करने के लिए आ चुका हूँ। ये पार्ट नाइन है। तो आप ये पार्ट नाइन देखो, उसके बाद में आएगी जो बाइक के पीछे में कबूतर को दौड़ाऊंगा। तो अभी के लिए तो दोस्तों, हम आ चुके हैं घर के बाहर, काफी दूर पे, जहाँ पर हाईवे पर घुमाने लाते थे। तो देख सकते हो जैसा कि चैंपियन मेरे साथ में है, लेकिन सोल्जर नहीं है। सोल्जर ये हुआ कि रास्ते में उड़ गया, उड़ने के बाद में वो घर पे बैठ गया एक, और वहां से उसने हमने बुलाया जब, तो वो आया। तो बच्चा एक था, उसकी वजह से वो हमारे पास आने से डर गया और वो ऊंचे पे उड़ गया। बहुत देर बुलाने के बाद में वो फिर वापस घर चला गया। तो अभी इसकी सिर्फ ट्रेनिंग कराते हैं, और फिर जब चलते हैं तो दूर खड़े होकर बुलाते हैं, लेकिन हमें सोल्जर देखकर आएगा कि नहीं, पहले इसकी ट्रेनिंग कर लें या उसको बुला लें। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि उसको पहले बुला लें, आएगा तो ठीक है, नहीं आएगा तो फिर इसकी ट्रेनिंग कर लेंगे। ठीक है, तो चलते हैं और उसको बुलाते हैं। दोस्तों, हम लोग आ चुके हैं उस जगह पर जिस जगह से सोल्जर हमें दिख रहा। तो सोल्जर टंकी के ऊपर बैठा, बहुत मतलब चौकन्ना है कि कहाँ हो, मतलब हम कहाँ आ गए। लेकिन इसको हमने तय दिखा रखी है, क्योंकि कभी ऐसा होता है ना, जैसे कि हमने कबूतर ले गए, ठीक है, जानते हो आजकल के बच्चे कितने ज्यादा उंगली कर देते हैं, वो उसको उड़ा दिए, और बाई चांस अगर मेरे बुलाने से मेरे पास ना आए तो वो कम से कम अपनी तह पहचानते हुए अपने घर तो वापस आ जाए। तो मैं जब सारे कबूतर बंद कर देता हूँ अपने, तो इन दोनों को छत पे कम से कम 20 मिनट आधा घंटा छोड़ देता हूँ, ताकि वो लोग अपनी छत पहचान ले। तो चैंपियन भी माशाल्लाह छत पहचान चुका है। अबे काट रहे हो। तो सोल्जर को तय पहचानवा दिए थे, और वो तय पहचान गया था, टंकी पे बैठा हुआ, बुलाते हैं और ज्यादा बातें नहीं करते हैं। एक चीज कहना चाहता हूँ भाई, आप लोगों के लिए हर एक पॉइंट की चीजें दिखाते हैं। मैंने चैनल को चेक किया तो आप लोगों में से काफी सारे लोग बिना सब्सक्राइब किए देख रहे हैं, तो यार सब्सक्राइब कर देना। और हम सोल्जर को दिखाते हैं। दोस्तों, वो हमारा घर है, और दिखाते हैं जूम करके, ये हमारा सोल्जर बैठा हुआ है। ठीक है, तो इसको हम बुलाते हैं। सोल्जर, आ सोल्जर, आ माशाल्लाह, आ उड़ तो गया लेकिन आया नहीं, फिर जाके वहीं पे बैठ गया। सोल्जर, आ, वो देखो उड़ा, आ जा चैंपियन। ये आके बैठ गया। सोल्जर, आ गया माशा, ये देखो, ये देखो आ गया। दोस्तों, देख सकते हो कि हमारा सोल्जर मेरे पास में आ गया है। माशाल्लाह, बहुत अच्छी ट्रेनिंग मुझे लग रहा है कि किया है। और आप लोग भी बताना कि छोटा सा बच्चा जो तुम्हारे किसी बच्चे की डर से, मतलब अब आगे बताते हैं, यहाँ से थोड़ा सा दूर चलते हैं, ठीक है, बताते हैं। आ जाओ, कायदे से बैठो, चलो, और थक देखो कितना गया है, पूरा चोंच फैला के थक गया है। तो दोस्तों, मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमें लगता है कि हमने अपने कबूतरों के बच्चों की जो ट्रेनिंग किया है वो काफी ज्यादा अच्छी की है, मुझे लग रहा, क्योंकि भाई अभी इनको इतना ज्यादा, मतलब ना इनकी उम्र है बच्चों की, ये कोई तकरीबन 2 महीने के हुए हैं, अंडे से अभी तक के 2 महीने के हुए हैं। और उसके बाद में एक चीज और मैं बताना चाहता हूँ, काफी सारे ऐसे ट्रेनर हैं जो हमें फोन करके पूछते हैं कि भाई हमने जो अपना बच्चा हिलाया है वो मेरे पास आता नहीं है, मेरे पास आने से डरता है, दाना खाता है और दूर भाग जाता है, और उसको बुलाओ तो वो आता नहीं है, दूसरे कबूतरों में जाकर मिल जाता है। और मेरी ट्रेनिंग जो अल्लाह का शुक्र है कि ये कबूतरों के बीच में, मेरा लॉफ्ट खुला हुआ है, कबूतरों के बीच में बैठा था, लेकिन किसी कबूतर के पास नहीं गया, टंकी पर बैठा, और ये अपनी तह पे टंकी पर बैठा हुआ अपनी तह पे रुका हुआ था। मेरे बुलाने पर इसने एक बार आया, फिर वापस उसी टंकी पे जाकर बैठ गया, लेकिन दूसरी बार जब बुलाया
तो ये मेरे पास आ गया मेरे पास। तो ये चीज है कि ये है, तो हमें लगता है कि हमने अपनी ट्रेनिंग काफी अच्छी, दूर का रास्ता था लेकिन सोल्जर मेरी आवाज से आ गया मेरे पास, बहुत खुशी हुई। क्योंकि इससे पहले इसका जो फादर था सोल्जर मेरा पुराना वाला, वो भी मेरी इसी तरह आवाज पर आता था। और मैं एक चीज और शेयर करना चाहता हूँ, अभी 2-3 दिन बीच में मैंने वीडियो नहीं बनाई है, इसको ट्रेनिंग इन दोनों को दे रहे थे बाइक के पीछे दौड़ने वाली, तो उसकी वीडियो नहीं बनाते थे क्योंकि ट्रेनिंग के टाइम पे वीडियो बनाओ फिर ट्रेनिंग नहीं हो पाती थी, तो इनकी ट्रेनिंग हो चुकी है। तो ये काफी हाइट पे जाके उड़ते हैं और मेरे आवाज पे आ जाते हैं मेरे पास, तो वो सारी चीजें दिखाऊंगा। लेकिन यार थोड़ा ट्रेनिंग मजबूत कर रहा हूँ, अच्छी ट्रेनिंग कर रहा हूँ, और वीडियो बनाने के चक्कर में ट्रेनिंग नहीं हो पाती है, तो भाई इसीलिए ये वीडियो देर में आई है। और हो सकता है कि बाइक के पीछे जो ट्रेनिंग में करूंगा वो भी हो सकता है ज्यादा देर में आए, लेकिन उससे पहले और 2-3 वीडियो आएंगी सेल वाली, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी हम जा रहे हैं थोड़ा सा और एक जगह पर ट्रेनिंग करेंगे, और बताना कैसी वीडियो लगी, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। और देखो इनकी इसकी दिखाएं, चैंपियन की, चैंपियन चैंपियन है, ये देखो दोस्तों हम लोग यहाँ आ चुके हैं, और यहाँ पर कुछ लकड़ियाँ कट रही हैं, बकरी चर रही हैं, और हम लोग भी आ चुके हैं। और अभी आपको बताएं कि सोल्जर भाग गया था बहुत दूर, हमें तो लगा बहुत चला गया घर, बहुत दूर तक घूमा, जंगल से गायब हो गया, दिखना ही बंद हो गया, फिर उसके बाद में आ गया था मेरे पास। ये जो लड़का टी शर्ट पहने हैं इसने ये करा, बस डर के भाग गया। ये देखो सब, ये बहुत जबरदस्त, परेशान हो गए हैं लेकिन मजा आ रहा है इस तरफ घूमने में, एकदम चकाचक। सब दूर दूर तक खेत, अल्लाह का शुक्र है कि हम ऐसी जगह पर हैं कि मजा आता है घूमने में, खेत और ये सब चीज। दोस्तों देख सकते हो किस तरह से एकदम पसीना गला वाला पूरा गंदा हो चुका है, और यहाँ पर आ जाए हैं, देख सकते हो पीछे बाग, ये धान और वो बड़े बड़े खेत देख सकते हो, एकदम नई जगह पर लाकर इनकी ट्रेनिंग कर रहे हैं। अच्छा लगता है मुझे नई नई जगह पर जाकर इनको ट्रेन करना, क्योंकि वहां पर ये हमारी बात ज्यादा सुनते हैं। और किस तरह से मस्ती कर रहा है हमारा सोल्जर, सोल्जर इसको देखो, चैंपियन को, ये बड़ा बदतमीज हो गया है, काटने लगता है, मारेंगे तुमको, मारेंगे चैंपियन। तो ये हो चुका है, और दिखाते हैं इनके पीछे, ये देखो पीछे ये एकदम पूरा जंगल है, ये पूरा वहां तक हाईवे वहां पर है, बहुत दूर है, ठीक है, ये इस तरफ पूरा है और ये इस तरफ। दोस्तों वीडियो शूट करने के टाइम पे यहाँ पर जंगल के बाहर ये जानवर चरने आए थे, नील गाय इनको कहते हैं हम लोग, तो ये भी इसी जंगल में रहते हैं, तो ये चारा बाहर ही खाते हैं, ये जंगली जानवर हैं नील गाय। तो यहाँ पर लाए हैं इनको ट्रेनिंग करने के लिए कि ये हमारे साथ में कहीं भी किसी भी जगह पर जाएं तो इनको डर न लगे, इसीलिए मैं नई नई जगह पर इनको ला रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि वो सोल्जर जो मेरा था वो ज़्यादा इस तरह से हर जगह पर नहीं जाता था, और मेरी ये कोशिश है इस बार कि इनको हम जहाँ जाएं, किसी भी जगह जाएं, नई जगह हो या कहीं पर, ये हमारे पास रहें और ये कहीं भी जाने पर डरे ना, ठीक है। तो कंफर्टेबल, इनको दाना पानी दे दिया है सब कुछ, और बढ़िया मस्त है हमारे साथ में। सोल्जर आओ इस तरफ आओ, ये साला काटने, ठीक है। तो इस वीडियो को भी देखकर आप लोगों को अच्छा लगा होगा, इसमें ज्यादा ट्रेनिंग नहीं की है, बस जगह बताई है, इसके बाद में इसकी ट्रेनिंग जो चल रही बाइक वाली वो सबसे अच्छी वीडियो आएगी, वो पार्ट 10 में आएगी, तो ये पार्ट 9 है, आप लोग देखना, पार्ट 10 आएगा बाइक के पीछे, उसके बाद में भाई पार्ट वार्ट कुछ नहीं आएंगे, बस ऐसे ही रेंडम वीडियो व्लॉग टाइप की आएगी। तो यार सब्सक्राइब करो यार, तुम लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो तो सब्सक्राइब कर दो यार, और वीडियो देखा करो तो लाइक भी कर दिया करो। तो बस यार बड़ी गर्मी लग रही है।